गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स तो बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बाद अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज दे निर्देशिक सिद्धांत जिन्हों असी DPSP भी कहने हैं। राजे इन्हों का मतलब की है, जिस तरह डायरेक्टिव पॉलिसी मतलब कि निर्देश के सिद्धांत, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन, जिहड़े कि मौलिक अधिकारां नूं दिशा देण दे वास्ते वरते जाण, मौलिक अधिकार है जो साढ़े वो श्योर हो सकन, वो गाइडलाइन देन, उन्हां नूं असीं डायरेक्टिव प्रिंसीपल कहने हैं, जिहड़े कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पार्ट 4 दे विच आर्टिकल 36 तो 51 तक दिते हुए आ। जिमें कि हरेक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर है वह किसी ना किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन तो इंस्पायर्ड आ। सो सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो यह फीचर अडोप्ट की गई है। सब तो पहले इन्हों की जो डेफिनेशन है वो बारे पढ़ांगे। द गाइडलिंग प्रिंसीपल्स विच हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स। गाइडलिंग प्रिंसीपल्स मतलब वो सिद्धांत जिहड़े कि सानू गाइडलाइन प्रोवाइड करते, जिहड़े कि सानू सुजेशन देंदे, सानू इंस्ट्रक्शनस देंदे, वो प्रिंसीपल आ जिहड़े जो कि साडियां पॉलिसीज की फॉर्मेशन दे विच हैल्प करते, नीतियां बनाउण दे विच हैल्प करते, सानू हर एक थां ते डायरेक्शन देंदे, गाइड करते, उन्हां नूं असीं की कहिंदे आ डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स। इन्हां नूं राजे वैसे तां जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऑफिशियली इन्हां नूं डिवाइड नहीं कीता होया, बट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सी, संविधान नूं बनाउण वाले सी जिहड़े, ठीक है, वह ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किहड़े किहड़े आइडियाज़ तों सीगे, उन्हां दी थिंकिंग, उन्हां दे आइडियाज़ जिहड़े सीगे वह सोशलिस्ट, गांधीयन ते लिबरल आइडियोलॉजी तों ज़्यादा इंप्रैस सी, वो इन्फ्लुएंस सीगे। तां करके डायरेक्टिव प्रिंसीपल नूं भी तीन कैटागरीज़ दे विच डिवाइड किया गया है, ऑफिशियली नहीं हैगा, जस्ट टैंपरेरी डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसीपल्स, गांधीयन प्रिंसीपल्स एंड लिबरल प्रिंसीपल्स। अलग अलग सिद्धांतों नूं इन्हां तीन कैटागरीज़ दे विच रखिया गया है। सब तो पहला अज आपां सोशलिस्ट प्रिंसीपल की गल करांगे, जो समाजवादी साढ़े निर्देशक सिद्धांत आ उह किहड़े किहड़े आ। जिस तरह आप कहने कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब कि सब की भलाई बारे सोचने वाली स्टेट है, तो उस दे करके मेन जो इन्हों का एम है डायरेक्टिव प्रिंसीपल का, वह की है वेलफेयर ऑफ पीपल, सब ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की भलाई करना ही डायरेक्टिव प्रिंसीपल का मुख मंतव है। सो ये जो इस दे अंदर अगे जो प्रिंसीपल्स आते हैं वो किड़े किड़े आ। फर्स्टली आता है एवरी सिटीजन शुड हैव अ राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, मतलब कि रहन दे जो निवास करन दे, सरवाइव करन दे एडिक्वेट मौके है जड़े वो सबनों मिलने चाहिए आ, सारे लोगों का यह अधिकार। दूसरा की है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पीपल। हुण की है कि इहदे विच जो डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे विच कहा गया कि वध तों वध लोकां दी जो वेलफेयर आ उह हो सके, ते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सिस ऑफ द कंट्री, वह जो भी मटीरियल रिसोर्सिस आ साडे कंट्री दे उहनां दी डिस्ट्रीब्यूशन आ जिहड़ी उह इक्वल होवे, तां जो वध तों वध लोकां दी वध तों वध भलाई हो सके। नैक्सट की है द स्टेट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी, नवी सोसाइटी होवे द एम ऑफ विच, जिहदा एम की है वेलफेयर ऑफ ऑल एंड ग्रोथ इन एवरी स्फेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हरेक स्फेयर दे विच हरेक पक्ष दे विच आदमी दी ग्रोथ होवे, एंड सिटीजन शुड बी प्रोवाइडेड सोशल इकोनॉमिक एंड पोलीटिकल जस्टिस, ते उन्हां नूं समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक तौर पर पूर्ण न्याय मिले। नैक्सट द इकनॉमिक सिस्टम शुड बी सच सो दैट वैल्थ
एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट गेट कंसनट्रेटड इन टू फ्यू हैंड्स, कि इस तरह का इकनोमिक सिस्टम होना चाहिए है, हरेक बंदे आपकी अर्निंग करने का अधिकार होना चाहिए है, ता जो थोड़े जे हत्थां दे विच ही प्रोडक्शन दे जो उत्पादन दे साधन आ जां सारा पैसा है वो थोड़े जे हत्थां विच ना रहे जे, सगो सारिआं नूं इक्वल उहदी डिस्ट्रीब्यूशन होवे, इक्वल मौके आ जिहड़े सारिआं नूं अर्निंग दे मिलने चाहिए आ। अगला की है, नैक्सट हैगा कि जो मैन एंड वीमेन शुड गैट ईक्ुअल पे फॉर ईक्ुअल वर्क, जे हुण किसी भी इंस्टीट्यूशन दे विच जो मैन ते वीमेन काम करते हैं ईक्ुअलिटी है, आपां नूं ईक्ुअलिटी का राइट है, ता जो ईक्ुअल काम करते हैं उते लेडीज़ काम करती हैं जेंट्स काम करते हैं ईक्ुअल इक्ो जहा काम करते हैं, तो फिर उन्होंने लिए जो पे स्केल आ वह भी इक्ो जहा होना चाहिए है, ठीक है। तो इस तरीके ने इन्हां दोहां दी इक्वलिटी है जिहड़ी दो जेंडर दी वह भी बरकरार रहेगी, तो जो भी एफिशिएंसी है वह भी कम करन दी वधदी है। सो इक्वल वर्क दे वास्ते इक्वल पे होनी चाहिए है। नैक्सट, इन केस ऑफ एनी लोंग इलनेस अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज डिसबिलिटी ऑफ अ सिटीजन द स्टेट शुड हैल्प और एड हिम अकॉर्डिंग टू इट्स रिसोर्स, जे किसी भी लंबी कोई बीमारी है जो कोई जो बजुर्ग आदमी है जिसे अनएम्प्लॉयमेंट आ रुजगार नहीं मिल रहा ज फिजिकली डिसेबल है बंदा, ठीक है, इस कंडीशन दे विच सरकार उसकी हैल्प करेगी रिसोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस तरह के उन्होंने साधन मुहैया हो सकेंगे उस तरीके दे नाल स्टेट इन्हां दी हेल्प जरूर करेगी। नैक्सट, स्टेट शुड प्रोवाइड रीजनेबल पे एप्रोप्राइएट लीव एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ एवरी क्लास ऑफ लेबर। हुण अगे गल आउंदी है लेबर दी, कि जो लेबर है लेबर जिथे भी काम कर रही है उसनू प्रॉपर जिहड़ी हैगी है लीव भी दिती जाए, उन्हां नू हाइजेनिक कंडीशन दे विच काम करवाया जाए उन्हां तो, ठीक है, तो उन्हां नू रीजनेबल पे भी दिती जाए, जो उन्हां दा काम है काम दे अकॉर्डिंग उन्हां नू पे दिती जानी चाहिए है, मतलब कि उन्हां नाल इंसानियत वाला वधिया बिहेव लेबर नाल भी करना चाहिए, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे विच मैंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है अपना, स्टेट शुड प्रोवाइड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। हुण ये अपने जो राइट टू एजुकेशन दे फंडामेंटल राइट दे विच भी आपां एक्सप्लेन कीता सी, उही डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे विच भी दस्या गया है कि 14 साल तक दे बच्चियां नू कंपलसरी ते फ्री एजुकेशन दित्ती जानी चाहीदी है, क्योंकि बहुत सारियां फैमिलीज़ इस तरह दियां हुंदियां जिहड़ियां कि स्टडी नू अफोर्ड नहीं कर सकदियां हुंदियां, बैकवर्ड क्लासेस जां कोई होर वीकर सैक्शन हुंदे आ सोसाइटी दे, वो अपने बच्चियां नू जो भी स्टडी नहीं प्रोवाइड दे सकदे हुंदे नहीं कर सकदे हुंदे, तां उस दे वास्ते जो कंपलसरी ते फ्री एजुकेशन बच्चियां नू दित्ती जावे 14 साल तक दे बच्चियां नू एटलीस्ट फ्री एजुकेशन दित्ती जानी चाहीदी है। नैक्सट, रिड्यूस द इनइक्वलिटीज़ अमंग सिटीजनज, सारे सिटीजन दे विचकार जो असमानता है उन्हों खत्म किया जाए तो इक्वलिटी समानता नू लिया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसीपल का यह भी मेन एम है कि हर तरह के लोगों नू समानता दिती जाए, हरेक वर्ग श्रेणी धर्म भाषा जात के लोगों नू इक्वलिटी दिती जाए। सो डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे सोशलिस्ट बारे आप गल की है, मेन मंतव की है वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की वध तो वध भलाई की जा सके।